हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय हिंद। आज हम बना रहे हैं कॉफ़ी फ्लेवर कुकी आइसक्रीम। इसकी खासियत ये है कि इसमें कोई भी कुकिंग प्रोसीजर नहीं है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप मिल्क। ये मिल्क जो है वो रूम टेम्परेचर पर है। इसके लिए हमें रूम टेम्परेचर वाला ही मिल्क चाहिए, हमें गरम मिल्क इसमें नहीं यूज़ करना है। और इसमें कोई भी कुकिंग प्रोसीजर नहीं है, तो हमें इसमें ठंडा या रूम टेम्परेचर वाला ही मिल्क यूज़ करना है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कॉफ़ी पाउडर, क्योंकि हम जो आइसक्रीम बना रहे हैं वो कॉफ़ी फ्लेवर का है, तो मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर। ये कॉफ़ी पाउडर आप कोई भी इंस्टेंट कॉफ़ी जो हमारे आती है, जिसका पाउडर आता है, वो आप ले लीजिएगा। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और कॉफ़ी जिनको पसंद है उसको ये आइसक्रीम डेफिनेटली पसंद आएगा। अभी नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, जिसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि ये बाउल जो है वो चिल्ड हो जाए अच्छे से, क्योंकि इसको हमें चिल्ड रखना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अंदर हम ले रहे हैं व्हिप क्रीम, जो डबल फेट का क्रीम आता है, वो मैंने लिया है 1 कप। ये जो मैंने क्रीम यूज़ किया है वो स्वीट है, इसलिए मैं इसमें शुगर यूज़ नहीं करूँगी। अगर आपका क्रीम जो है वो शुगर लेस है, तो आप इसमें 1 कप पाउडर शुगर ऐड कर दीजिए, या फिर आइसिंग शुगर भी आप ले सकते हो। अभी मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करूँगी, जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए या फिर इसका वॉल्यूम डबल ना हो जाए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, तो आप हैंडी बीटर से भी ये कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए इसकी हमें कंसिस्टेंसी ऐसी चाहिए। हमें एकदम स्टिफ क्रीम नहीं चाहिए, जो हम आइसिंग में करते हैं, केक के आइसिंग में वैसा नहीं चाहिए, क्योंकि हम आइसक्रीम बना रहे हैं, तो हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी नेक्स्ट हम इसके अंदर हमने जो कॉफ़ी का मिक्सचर बनाया था वो हम ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कॉफ़ी जो है वो डाइल्यूट हो चुकी है पूरी तरीके से। अब हम इसको छानकर इसके अंदर ऐड कर देंगे। कॉफ़ी को ऐड करने के बाद वापस हम इसको 2 या 3 मिनट के लिए व्हिप करेंगे, ताकि हमने जो कॉफ़ी इसके अंदर ऐड की है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और इसका पूरा टेस्ट इसके अंदर आ जाए। फ्रेंड्स, ये आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनती है, और बिल्कुल मार्केट में जैसे मिलती है वैसी ही इसकी टेक्सचर और वो सब आता है। बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम बनकर रेडी होती है। मैंने यहाँ पर कॉफ़ी फ्लेवर लिया है। आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी फ्लेवर की आइसक्रीम व्हिप क्रीम से बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारी कॉफ़ी जो है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गई है। मैं एक बार इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छा, बढ़िया, एकदम क्रीमी टेक्सचर हमें जैसा चाहिए वैसा ही मिल गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चॉकलेट कुकीज़। मैंने यहाँ पर ओरियो बिस्किट लिए हैं, जिसको मैं क्रीम के साथ ही ले रही हूँ, और इसको ऐसे थोड़े थोड़े पीसीस करके तोड़कर मैं इसको ऑनियन इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ। आप कोई भी चॉकलेट फ्लेवर की कुकीज़ ले सकते हो। क्योंकि मैंने कॉफ़ी फ्लेवर की आइसक्रीम बनाई है, इसलिए मैंने चॉकलेट फ्लेवर की ही कुकीज़ इसमें ऐड की है, क्योंकि कॉफ़ी और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। मैं इसमें टोटल 5 बिस्किट ऐड कर रही हूँ। अभी इसको हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। 3 मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, बाकी के 2 जो है वो ऊपर हम गार्निशिंग में रखेंगे। अभी मेरे पास यहाँ पर ऐसा प्लास्टिक कंटेनर है, तो मैं उसके अंदर सेट होने के लिए रख देती हूँ। ये मिक्सचर जो है मैं इसके अंदर पोर कर दूंगी। आपके पास अगर एल्युमिनियम टीन है तो आप उसमें भी सेट होने के लिए रख सकते हो। कोई भी आप डिब्बा या टीन आप ले सकते हो। ये पूरा मैं इसके अंदर ले लेती हूँ। आप चाहे तो सिंगल सिंगल सर्विंग भी कर सकते हो, जैसे कि कप आते हैं आजकल मार्केट में, तो बहुत सारे शेप वाले डिस्पोजेबल कप मिलते हैं, तो उसमें भी आप सेट कर सकते हो। आप इसको एल्युमिनियम फोइल से रैप करके सेट होने के लिए रख सकते हो। अभी जो बाकी के 2 बिस्किट मैंने बचाए थे, उसको मैं ऊपर ही ऐसे ऑनियन तोड़कर डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये आइसक्रीम कॉफ़ी एंड चॉकलेट लवर जो है उन दोनों को पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया लगती है। और इसमें ये आइसक्रीम में कॉफ़ी की बहुत ही माइल्ड फ्लेवर आती है, और इससे इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है।
आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हो, वो भी अच्छी लगती है। जैसे मैंने कुकीज़ ऐड की है उसके साथ थोड़ी सी आप चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर दीजिएगा तो वो भी बहुत बढ़िया लगती है, या डार्क चॉकलेट भी आप ले सकते हो। अभी ये पूरा मैंने इसको गार्निश कर दिया है। अब हम इसको ढककर 5 से 6 आवर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। क्रीम से बनाते हैं इसलिए ये आइसक्रीम थोड़ी जल्दी ही सेट हो जाती है, 6 से 7 आवर में ये सेट हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी इसको 6 से 7 आवर के बाद निकाल लिया है और हमारी आइसक्रीम सेट होकर रेडी है और ये बहुत ही यम्मी और डिलीशियस लग रही है। आप चाहें तो इसको पूरी रात भी रख सकते हो, बट 6 से 7 आवर्स में ये रेडी तो हो ही जाती है। अब हम इसको सर्व करते हैं। मेरे पास ऐसे आइसक्रीम कप है तो मैं उसमें सर्व कर रही हूँ। आप कोई भी कांच के बाउल में भी सर्व कर सकते हैं। इसमें से आइसक्रीम निकालने के लिए आप ऐसी कोई भी राउंड स्पून ले लीजिए, उसको एक ही एंगल से ऐसे टाइटली करके निकाल लीजिए। ये देखिए जैसे मैं इसमें दिखा रही हूँ ना वैसे, तो बिल्कुल ऐसे आइसक्रीम निकलेगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से ऐसा आइसक्रीम निकल जाती है। और इसको मैं गार्निश कर रही हूँ मल्टी कलर शुगर बॉल से। आप चाहे तो चॉकलेट सिरप से भी गार्निश कर सकते हो, चॉकलेट चिप्स भी इसमें दे सकते हो, इवन मिक्स नट से भी आप इसको गार्निश कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, रेडी है हमारा कॉफ़ी फ्लेवर कुकी आइसक्रीम। होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू।